हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट अ न्यू चैप्टर द मुगल एम्पायर चैप्टर 15। इस चैप्टर में हम समथिंग टू नो का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले शुरू करते टिक द करेक्ट ऑप्शन से। तो हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी। देन क्वेश्चन नंबर टू, अकबर रिलीजियस डिस्कशन टुक प्लेस एट इबादत खाना। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी तुझके बाबरी। तो उसने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी, तो तुर्किस भाषा में। देन अकबर असाइंड द थ्रोन एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर। देन फिल इन द ब्लैंक्स, जो रेड से लिखा हुआ है वो आपका ब्लैंक पार्ट है। बैरम खान वॉज अकबर गार्जियन, बैरम खान जो थे वो अकबर के गार्जियन थे, क्योंकि बैरम खान अकबर ने 14 वर्ष की आयु में ही शासन व्यवस्था को संभाला था। पीकॉक थ्रोन वॉज मेड फॉर शाहजहाँ एंड औरंगजेब एज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर। बहादुर शाह जफर सेकेंड वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर। द मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सिविल है ये भी आपका डैस पार्टी है। देन क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स, द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउटेड बिटवीन बाबर एंड शेरशाह सूरी। फॉल्स, जहांगीर डिसकंटिन्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड देयर। फॉल्स, दीन ए इलाही वॉज सोशल रिलीजियस पाथ स्टार्टेड बाई अकबर। यस, दीन ए इलाही जो है अकबर ने शुरू की थी। हुमायूं फेल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एंड डाइड। हुमायूं जो था अपने लाइब्रेरी में ही सीढ़ियों से गिर गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। सही है, शाहजहां गेव पैट्रोनेज टू स्कॉलर आर्टिस्टियन एंड क्राफ्टमैन। यस, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज दीन ए इलाही एंड हु स्टार्टेड इट। दीन ए इलाही क्या था, किसने शुरू किया इसको? तो अकबर स्टार्टेड दीन ए इलाही डिवाइन फेथ इन 1582 बाय ब्लेडिंग द गॉड गुड्स पॉइंट ऑल रिलीजियस लाइक हिंदुज्म क्रिश्चनिटी जैनिज्म एंड अदर फेथ विथ इस्लाम। दीन ए इलाही वॉज नॉट अ रिलीजियस बट अ सोशल रिलीजियस पाथ टू ब्रिज द डिफरेंस एमोंग डिफरेंट कम्युनिटीज। देन क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड शाहजहाँ नॉन एज एन इंजीनियर किंग। शाहजहाँ को इंजीनियर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है भाई? द पीकॉक थ्रोन, द ताजमहल एट आगरा, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद दिल्ली एंड न्यूमरस अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर testifies his wealth well as his aesthetic sense. He is known as an engineer king. इन सब चीज़ों के कारण उसको जो है इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता है। किसको? शाहजहाँ को। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, what was the political condition of India before Babur invasion? तो बाबर के पहले क्या political condition था? The political condition of India before Babur invasion was characterized by the following. बताया जा रहा है, देयर वेयर स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम इन इंडिया। भारत में छोटे छोटे बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम थे। वीक पॉलिटिकल कंडीशन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ तुगलक एम्पायर। देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो स्ट्रॉन्ग हो। स्मॉल किंगडम ऑफ्टेन इंटर्ड इंटू वार विथ ईच अदर। और छोटे छोटे किंगडम्स जो थे वो आपस में युद्ध करते रहते थे अपनी टेरिटरीज को एक्सटेंड करने के लिए। देयर वॉज विडस्पर्ड lawlessness and discord. Then question number 4, state the main features of Jahangir rule. Jahangir rule ke main features ke bare mein batana hai. The followings are the features of the Jahangir rule. After succeeding of the Mughal throne, Jahangir established the chain of justice. Anyone who faced any king of injustice could pull the chains and present his or her complaint. Listen for redressal.
One of his most famous success was his victory over the Kangra fort in 1620. Jahangir era is recognized with the building of monument stand gardens such as monument Itimad ud Daula and Shalimar Bagh in Srinagar. जो है एक तरह से जो उसका शासन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के लिए भी और गार्डन्स के लिए भी. देन क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम क्या था? अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम बेस्ड ऑन रैंक और पोजिशन इन द ऑफिशियल हेरशरी. द मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. जो मनसबदार थे वो मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मैंशन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हुमायूं आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन. अब हुमायूं को कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी? वेन हुमायूं असाइंड द थ्रोन इन 1530 AD ही इनहेरिटेड मैनी डिफिकल्टीज फॉर हिज फादर बाबर. देयर वेयर ही हैड टू फेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकॉज द वास्ट एम्पायर वॉज नॉट कॉन्सोलिडेटेड. सबसे पहले बहुत बड़ा एम्पायर था जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. एम्प्टी ट्रेजरी और खाली खजाना जो था खाली था. द ट्रेजरी वॉज एम्प्टी बिकॉज कलेक्शंस ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज नॉट डन इन अ सिस्टमिक मैनर. और जो लैंड रेवेन्यू था वो सिस्टमिक मैनर में नहीं था इसीलिए जो था उसका जो खजाना था वो खाली था. इसके बाद ये क्वेश्चन कंटिन्यू है. ट्रबलसम रिलेटिव्स और उसके रिलेटिव्स के कारण भी कुछ ट्रबल्स थे उसको. हुमायूं एम्बिशियस ब्रदर रिलेबल अगेंस्ट हिम. डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू जहांगीर वाज अनदर डिफिकल्टी ही हैड टू फेस. द गवर्नमेंट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज सो हुमायूं हैड टू डिफिकल्ट टास्क टू स्ट्रेंथन हिज पोजिशन वैन ही असाइंड द थ्रोन. देन शेरशाह डाई इन AD 1545. शेरशाह सक्सेसर वर वीक एंड इनइफिशियंट. इन 1555 AD हुमायूं रिकवर्ड दिल्ली एंड बिकम एम्पायर अगेन. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर विथ दैट ऑफ औरंगजेब. अब यहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी अकबर की क्या थी और औरंगजेब की क्या थी उसको कंपेरिजन करना है. अकबर सेट अप एन इबादत खान एट फतेहपुर सीकरी वेयर रिलीजियस डिस्कशन. इबादत का इबादत कहाँ इबादत खाना में वो क्या करता था? रिलीजियस डिस्कशन करता था. कौन? अकबर. वो वर हेल्ड एवरी फ्राइडे हर एक फ्राइडे को इवनिंग में. ही स्टार्ट दिन इलाही इन 1582 बाय ब्लेडिंग द गॉड्स गुड्स पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स लाइक हिंदुज्म जैन क्रिश्चनिटी जैनिज्म एंड अदर फेथ्स विथ इस्लाम. दिन इलाही वॉज नॉट अ रिलीजियस बट अ सोशल रिलीजियस पाथ टू ब्रिज द डिफरेंट एमॉन्ग्स डिफरेंट कम्युनिटीज. आगे कंटिन्यू है. देन औरंगजेब वॉज नॉट एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एंड अपोज रिलीजियस टॉलरेंस. ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड फॉलो अ वेरी सिंपल लाइफ बट ही बिकम एक्सट्रीमली अनपॉपुलर वैन ही इंट्रोड्यूस जॉर्जिया विच द नॉन मुस्लिम हैड टू पे पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस ग्राउंड. ही ऑल्सो एबोलिस्ड द इनलैंड ड्यूटीज एंड ऑक्ट्रीज टू प्लीज हिज सब्जेक्ट. हिज डिसकंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द कलीमा ऑन द क्वाइन एंड एबोलिस्ड न्यू ईयर सेलिब्रेशन. तो कुछ ऐसी पॉलिसीज थी औरंगजेब की. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था वो रिलीजियस अपोज करते थे इसके कारण जो थे इसके कारण जो है उनका पीपल्स द्वारा स्ट्रांगली अपोज किया गया. डिस्क्राइब शाहजहाँ दक्कन पॉलिसी. शाहजहाँ की दक्षिण की पॉलिसी क्या थी? दक्कन की पॉलिसी क्या थी? खान जहाँ लोधी द सूबेदार ऑफ दक्कन रिवॉल्ट वॉज किल्ड. शाहजहाँ देन बिगेन टू सबड्यू द दक्कन स्टेट. दे वेयर थ्री स्टेट इन द दक्कन दैट इज अहमदनगर बीजापुर एंड गोलकोंडा. दिस स्टेट क्रिएट ट्रबल फॉर द मुगल एम्पायर क्वाइट ऑफ एंड ऑन. दे सेल्टर्ड द एनिमी ऑफ मुगल्स सो शाहजहाँ वॉन्टेड टू ब्रिंग दैम अंडर हिज कंट्रोल. प्रिंस औरंगजेब वॉज मेड द सूबेदार ऑफ दक्कन. क्वेश्चन नंबर 4,
डिस्क्राइब द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश्ड बाय मुगल. तो यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश्ड बाय मुगल्स आर द मुगल्स मैनेज टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली. सबसे पहले मुगल्स ने क्या किया, कंट्री को यूनाइट किया पॉलिटिकली. दे इस्टेब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दे बिलीव इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ किंग. A strong army and efficient ministries assisted the empire. The whole empire was divided into subas. Subas it means province, which were governed by subedar. जिसको govern क्यों करते थे, governors इसकी देख करते थे, subedar कहा जाता था. The diwans and the collect of land revenue. और जो diwan थे वो क्या करते थे, land revenue को collect करते थे. तो यही तो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल एम्पायर का. देन क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. अब यहाँ पे मुगल एम्पायर्स के कौन कौन से 5 कारण थे जिसके कारण जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर का अंत हुआ. तो थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा हो गया है तो आप इसको इसमें से कुछ छोटा कर सकते हैं. ठीक है, वैसे थोड़ा बड़ा है ये. It was the policy of religious intolerance of Aurangzeb which aligned 10 large sections of people. The Rajput become hostile, the Sikh become militant, the Marathas' power increased rapidly in the west and central India, and Aurangzeb, along absence from the north, allow noble and governors become more powerful. Slowly, यहाँ पे जो है वो क्या है, दे लिखा हुआ है. ठीक है, अब कोई पूरा वीडियो नहीं देखेगा कमेंट करेगा कि भाई यहाँ पे आपने नहीं लिखा है. दे स्टार्टेड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एम्पायर. देन एज देर वॉज नो क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन इन द मुगल डायनेस्टी, इट कॉज ब्लडली कॉन्फ्लिक्ट इवन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ग्रेट मुगल्स आफ्टर औरंगजेब. His factors play an important role. The Mansabdari system introduced by Akbar become hereditary. After his death, the Mansabdars become powerful and ignore imperial authorities. They were more interested in getting men appointed as a wazirs rather than the welfare of the state. With the decline of Mughal power, the European began to assess themselves who has kept a low profile during the period of great Mughals. Next, thanks for watching and never forget this. ये तो आपका forget नहीं होना चाहिए भाई.